सॉरी अब्बा, वो गलती हो गई। ये जो भी हुआ है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेकिन ये भी मेरे साथ हर काम में होती है, इनको भी मिलनी चाहिए सजा। अभी से बात करो, हुप्पी है तुम्हारी। बेस्ट फ्रेंड्स भी तो हैं हम। तो ठीक है, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो 2 महीने के लिए तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। ओके ठीक है, जाओ भाई वो गाड़ी में से खीर ले आओ। अम्मा के हाथ की बनी हुई, अम्मा के जज्बात की कदर नहीं, अम्मा ने इतने प्यार से बनाई थी, वो फूल में ले आओ भाई। क्या ही जरूरत है जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो पड़ोसियों को दे देते हैं। मतलब बच्चों से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आओ भाई चले। अच्छा रुको रुको, ये खीर अम्मा ने बनाई है? जी, वो भी अपने हाथों से। मुस्कुरा रहे, लगता है बच्चों को माफ कर दिया। वाह क्या बात है, अम्मा के हाथ की खीर की, मजा आया। तुम ऐसे लाए थे। इसे रखना, मैं शाम को आके खाऊंगा। मैं इसे ऐसे ही फ्रिज में रख रही हूँ। हाँ बाय बाय। हमारी वजह से इतना नुकसान होता है भैया के सामने, ये झूठ बोलना पड़ा है ना तुम्हें, तो मैं बताऊंगी तुम क्यों। तुम शयान रुक जाओ, मैं कह रही हूँ पकड़ के दिखाओ। तुम तो बस चुप ही रहो, एक तुम और तुम्हारे बदमाश दोस्त, सारी उल्टी सीधी हरकतें तुम्हें उन्हीं से मिलती है। हर एक बात याद है, यूनिवर्सिटी मुझे तुमने ड्रॉप करना है। हाँ हाँ, वो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मिस सनी थैंक यू यार, अगर तुम बाबा से समझ ना करती ना, बाबा कभी ना मानते। ये तो सच है, रिश्वत लूंगी इसके लिए। लगते है रेस हो रही है, आओ देखी। आपसे कहा था मालिक साहब, रेस कोड़ा है,
घोड़ा चलाने वाला जीतता। मलिक साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? रेस दो इंसानों के बीच में हुई थी, इंसान और जानवर के बीच में नहीं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो पीछे रह जाने वालों का हौसला बनिए। अलीज़े बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी माँ, कहिए। माँ हूं ना, फिक्र होती है इसलिए मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। आप तो हमेशा ही फिक्र करती हैं अम्मा। हर माँ को अपने बच्चों का तहफ्फुज़ और उनकी खुशी अजीज होती है। बेटा, जब तुम और सरवर शायान के बारे में उलझ रहे थे, मैं सुन रही थी। हमा, गलती गलती शायान करता है, कसूरवार वो होता है, और कठहरे में मुझे खड़ा कर देते हैं सरवर साहब। बेटा, मर्द का ये आम रवैया है। औरत माँ हो या बीवी, उसे सख्त सुस्त सुननी ही पड़ती है। मैं भी तो इंसान हूं ना। सर्वर साहब कुछ ज्यादा बोल देते हैं तो मेरे भी उसे कुछ निकल जाता है। तुमने ये सुना नहीं, एक चुप 100 को हराती है। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि सर्वर कैसा शौहर है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं अम्मा। तो बेटा, जो शोहर अच्छा हो, तुमसे प्यार करता हो, उसकी कुछ कमजोरियों को इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छी बहू बेटियां घर को बनाती हैं, जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। अम्मा, आप एक बात तो बताएं, आप सरवर साहब की माँ है या मेरी माँ है? बेटा, हर वो घर जन्नत है जहाँ बहू और बेटी में फर्क ना समझा जाता। तुम मेरे लिए असरा की तरह हो, इसलिए बेटी समझकर समझाने चली आई। अम्मा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बिल्कुल मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। जीती रहो।